नमस्कार, मैं हूं शालिनी फ्रॉम 91.2 NIVH हेलोदून, और हमारे साथ हैं सर डॉक्टर लोकेश ओरी। जी सर, सर हेरिटेज पे काम करते हैं बेसिकली, बीन देयर डून दैट। तो आज हम इसके बारे में, पूरे एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे है और कितना थ्रिल्ड है हेरिटेज में, आपको क्यों आना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए बीन देयर डून दैट को, तो जानते हैं सर। एक्चुअली हेरिटेज के बारे में आप काम करते हैं और हमने सुना आप बीन देयर डून दैट, तो हमने सोचा कि आपसे क्यों ना बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसपे लोग बात तो करते हैं लेकिन उस पर काम करने से या चीजों से थोड़ा घबराते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत यूज सब्जेक्ट है जिसमें वो जा ही नहीं सकते हैं। तो कहाँ से आपने शुरू किया वो हमें जानना है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो हेरिटेज, हाँ, लोगों को लगता है कि ये मुश्किल काम है और इसमें लोग एंटर नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा शौक हुआ हेरिटेज में काम करने का, वो घूमने फिरने के शौक से हुआ। तो ये शौक सभी को होता है, ट्रैवलिंग सबको अच्छी लगती है, नई नई जगह देखना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना जी। और मुझे भी ऐसा ही एक शौक था, तो मैं और साथ में पैदल चलने का भी शौक था। हाँ। तो मैं शहर की गलियों में चलता था, जहाँ पे भी जा सकते हैं वहाँ पहुँचकर उस जगह के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करता था कि कब बनी होगी, कैसी, किसने बनाया होगा। हाँ। इसका क्या फंक्शन रहा होगा। तो वो सब जानते जानते थोड़ा एक डाटा इकट्ठा हो गया, थोड़ा ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो गई मेरे पास जो मैंने डॉक्यूमेंट करी, और वो एक किताब बन गई धीरे धीरे देहरादून के ऊपर। और देहरादून की वॉकिंग ट्रेल्स उसमें आ गई, उसको हमने बीन देयर डून दैट के नाम से। अच्छा, बीन देयर डून दैट एक बुक भी है। जी जी। ओ। तो वो सफर की शुरुआत उसी से हुई कि एक किताब छपी बीन देयर डून दैट के नाम से, जिसमें 10 वॉकिंग ट्रेल्स ऑफ देहरादून लिखी गई थी फोटोग्राफ्स के साथ। उसे लोगों ने काफी पसंद किया, उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट करके हमें पढ़ने को तो दे दिया, लेकिन दिखाओ भी तो सही। तो उससे ये आइडिया आया कि मैं अकेला तो कब तक लोगों के साथ चलूंगा। तो मैंने कई जो हमारे युवा साथी थे उनको भी अपने साथ चलाने की कोशिश की, और उनको भी बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो वो लोग भी साथ हो लिए। और अच्छा, शुरू में कितने लोग थे जो आपके साथ आए? मतलब जी, शुरू में तो ऐसा लगता था कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा इस काम में, कोई कौन आएगा गलियों में घूमने के लिए या कौन जाएगा पहाड़ चढ़ने के लिए, क्योंकि सब लोग तो आराम वाला टूरिज्म चाहते हैं, आराम से ट्रैवल करना चाहते हैं, कंफर्ट में। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो हम 4-5 लोग थे। ओके। मैं था, मेरे साथ सरगम मेहरा थी, घनश्याम राय थे, और ऐसे युवा साथी थे जो जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे, थोड़ा हेरिटेज में इंटरेस्टेड होने लग गए थे मेरे साथ बातें कर कर के। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र तो उस समय अराउंड 30-35 रही होगी, लेकिन ये बच्चे कॉलेज के ही थे, मतलब 19-20-22 साल के बच्चे थे, और लेकिन हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे जानने में, क्योंकि हिस्ट्री का ये होता है ना कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें तो वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा दिया जाता है, हमें रशिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमारे शहर में क्या हुआ, हमारे आसपास का इतिहास क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट की हमें कोई जानकारी नहीं होती कि भाई ये झंडा दरबार कैसे बना या क्यों बना, या फिर ये खलंगा मॉन्यूमेंट है तो ये क्यों है, वो हमारी एजुकेशन कहीं मिस कर जाती है। तो लेकिन हिस्ट्री मुझे लगता है लोकल से ही शुरू होनी चाहिए। True. लोकल से शुरू करके ग्लोबल पे अगर हम जाएंगे तो तब बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। और शायद मैं वो कर रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे जो हमारे युवा साथी थे वो हमारे साथ आ गए।
जैसे सर आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, वॉक अरेंज करते हैं, आप खुद जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यूथ में क्या वो चीज मिसिंग है जिससे वो नेचर की तरफ अट्रैक्टेड है? नो डाउट, बट दे आर अट्रैक्टेड थ्रू आउट फिजिकल अपीयरेंस, लाइक जाके सेल्फी ले लेंगे, वीडियो बना लेंगे, बट वो इमोशनली वो ऐसे कनेक्टेड नहीं है जैसा हम चाहते हैं, जैसा होना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन करिकुलम में क्या इंक्लूड करना चाहिए कि वो उसको मतलब इमोशनली भी इन्वॉल्व हो, वो सोचें कि हमें प्लांट भी करना चाहिए, मतलब वो जो है फल खाने पे ज्यादा यकीन करने लगे हैं वो चीज है. तो वो क्या चीज इंक्लूजन से क्या चीज है जो मतलब ये बेहतर हो सकती है? जी हाँ, मुझे लगता है कि हर एक इंसान में एक उसके अंदर का एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो नेचर को अप्रिशिएट करे या हिस्ट्री को अप्रिशिएट करे, लेकिन कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको डंप बना देता है. मतलब आप ये देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चले जाते हैं या इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं लेना चाहते या आर्ट्स नहीं लेना चाहते. तो वो इसीलिए है कि शायद कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम इन चीजों को उतनी वैल्यू नहीं देता या सही ढंग से पढ़ा नहीं पाता. एग्जैक्टली सर, पॉइंट इज दैट आई फील दैट, जैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, उसकी डिलीवरी में है. क्योंकि उसी किताबों को जब हम बाद में पढ़ते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ और होता है, लेकिन जब हमें पढ़ाई जाती है तो हमें बोरिंग साउंड होता है. तो ये मेरा पर्सनल, मुझे लगता है कि डिलीवरी में शायद कहीं कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं. हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी मिस्टेक वही है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट लोकल नहीं है. हम अपने घर के आसपास जो मंदिर है या जो मॉन्यूमेंट है, जो पेड़ लगा हुआ है, उसके बारे में तो बच्चे को बता नहीं रहे, और हम उससे कह रहे हैं कि तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने किसको मारा था वो याद करके आओ, वो डेट्स तुम लिखो, या मुगलों ने क्या किया वो तुम लिखो, या ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत निशानियां देहरादून में भी हैं. मतलब डेटा ओरिएंटेड हो गया है, उसमें से मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड हो गया है. आप बच्चे को ये फ्रीडम नहीं देते कि तू एक्सप्लोर करो, जाओ देखो. और अगर वो फ्रीडम मिले, अगर बच्चा जैसे खलंगा वॉर के बारे में जाने, तो वो ब्रिटिश हिस्ट्री को और ज्यादा अप्रिशिएट करेगा. यस यस. तो यूथ हमारा जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है. मतलब ये एक गलत धारणा है कि यूथ इंटरेस्टेड नहीं है. यूथ बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है. हाँ. विमुख हो गए इन चीजों से. हाँ. तो एडुकेशन में हेरिटेज, हिस्ट्री, नेचर अप्रिसिएशन, ये लाने की जरूरत है, और सही ढंग से लाने की जरूरत है. जी जी. जैसे सर ये बहुत एडवेंचरस काम है, जाते हैं इंसान को, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है शुरू में. क्या होता है, कोई भी जर्नी होती है तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम यहाँ जा रहे हैं वॉक, बट इट इज वर्क फॉर यू. मतलब वो कंटिन्यूसली आप वॉक्स अरेंज करा रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब बोरिंग हो गया, अब ये बहुत हो गया? नहीं, बोरिंग नहीं लगता है. डर लगता है. मतलब मैं कोई वॉक अगर 20 बार भी ले चुका हूँ और 21वीं बार मुझे लेनी होती, तो फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती कि कल मैं क्या बताऊंगा लोगों को, क्या बोलूंगा, कितने लोग आएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो वो अपने आप में थ्रिल बना रहता है. थ्रिल बना रहता है, इट कीप्स यू ऑन योर टोज. और क्योंकि इतने सारे हमारे यंग साथी हमारे साथ हैं जो इन सब कामों को करते हैं. आजकल डिजिटल वर्ल्ड में काफी ईजी भी हो गया है, जैसे हमारे पास 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो एकदम से हम सबको इन्फॉर्म कर पाते हैं कि इस दिन मिलना है, यहाँ पे मिलना है, और इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं कि भाई अब गर्मी का मौसम है तो ये कपड़े लेके आना, पानी लेके आना, या फिर सर्दी का टाइम है तो ये तैयारी करके आइएगा. तो वो सारी चीज़ें तो अब ऑटोमेटेड वे में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी नई नई जगह ढूंढने का, नई नई जगह पर लोगों को ले जाने का एक बहुत थ्रिल अपने आप बना रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. और जब भी आप एक जगह पे जाते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आप 10 बार जाएंगे ना, आपको दसियों बार कुछ ना कुछ नए आयाम उससे जुड़ेंगे. तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रिल है और बहुत इंटरेस्टिंग. सर, कोई पूरी वॉक के दौरान अभी तक कितनी वॉक्स अरेंज कराई हैं आपने? ऑलमोस्ट हमने लगभग 300 से ज्यादा वॉक्स कर चुके हैं हम लोग. अच्छा, तो उसमें से मतलब कोई ऐसा फनी किस्सा जो आपको ऐसे सोच के हंसी आ जाती हो कि अरे ये क्या हो गया, तो ये कुछ ऐसा वियर्ड जो मतलब आप शेयर करना चाहें हमारे साथ?
हाँ, वैसे तो हर वॉक में ऐसे कई किस्से होते हैं कि जिसमें लोग हंसते हैं, लेकिन एक किस्सा मुझे मेरे को बहुत याद रहता है कि एक बार हम लोग एक गांव में गए थे, देवलसारी नाम के गांव में, और तो वहां पे हमारे साथ कुछ स्कूल के बच्चे थे जो दिल्ली से आए थे जी। और जब हम उस गांव में वॉक कर रहे थे खेत के किनारे, तो उन्होंने देखा कि कुछ आलू पड़े, तो उन्होंने मैं जो बोल रहा था कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने उसको इंटरप्ट करके कहा कि ये आलू यहाँ क्यों पड़े हैं। तो मैंने कहा ये खेत है, इसमें आलू उग रहा है, आप देखो। फिर मैंने उनको एक प्लांट दिखाया, उसकी रूट में निकाल के दिखाया कि आलू, तो बोले कि अच्छा हमारा आलू ऐसे आता है, हमारा आलू सुपरमार्केट से नहीं आता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे वो इंसिडेंट याद रहता है कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो रियलिटी से इतना कट गई है शायद, कि हमें जो हमारा रूरल अर्बन डिवाइड जो हो गया है वो इतना हो गया है कि बच्चों को ये पता नहीं है कि उनका जो खाना है वो खेत से आ रहा है या सुपरमार्केट से आ रहा है। तो मतलब एक तरह से हंसने की भी बात है और दूसरी तरह से हमें बहुत सीरियसली इस चीज को सोचने की भी बात है। और सर ये बीन देयर डून दैट बेसिकली है क्या, मतलब इसका जो एम है वो क्या है? हाँ, सिर्फ अवेयरनेस है या हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, बेसिकली है क्या जी? बीन देयर डून दैट एक लोगों का ग्रुप है, इट्स अ वेरी ओपन ग्रुप, जो इससे जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। और ग्रुप का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। देखिए जो हिस्ट्री है वो हमारी आइडेंटिटी है, मतलब अगर आप विदेश चले जाएं कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो अपना आप नाम नहीं बताएंगे, आप सबसे पहले कहेंगे मैं भारतीय हूँ। तो भारतीय होना आपकी आइडेंटिटी है। अब भारत को बिना ताजमहल के, बिना लाल किले के, बिना काशी विश्वनाथ मंदिर के भारत नहीं कहा जा सकता। तो ये जो हमारी हेरिटेज है यही हम हैं। बिल्कुल। और जब लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, जब समझेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तभी वो चीज बचेगी भी। जी जी बिल्कुल। हम प्रिजर्वेशन की बेसिकली इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन। बिल्कुल, मतलब आइसोलेशन भी नहीं कर सकते। हाँ। तो पहले हम लोगों को ज्ञान दें, उनको जानकारी दें, फिर लोग खुद ही उस चीज को प्रिजर्व करेंगे, ये मेरा मानना है। सर मैं खुद भी नहीं हूँ देहरादून में, तो मतलब जब मैं बेसिकली यहाँ आई तो सब लोग बोला कि अरे देहरादून गए मसूरी नहीं गए तो क्या हुआ, नैनीताल नहीं गए तो क्या ही हो गया। मैंने कहा नहीं, देहरादून में क्या है, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब आसपास की चीजों को तो देखो। तो आपके हिसाब से वो कौन सा फेवरेट प्लेस है आपका जो आप मुझे और बाकी लोग जो नए आते हैं देहरादून उन्हें रिकमेंड करेंगे? हाँ, मेरा फेवरेट प्लेस तो खलंगा का मैदान है। वैसे देखा जाए तो वो एक मैदान है पहाड़ी के ऊपर। अच्छा। लेकिन उसके पीछे का जो इतिहास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। कि जो देहरादून था एक समय में नेपाल का पार्ट था। हाँ। तो नेपाल के गोरखा लोगों ने देहरादून पे अपना राज कर लिया था, और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र गोरखाओं के ही अंडर थे। तो 1815 में अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए। वैसे वो पहाड़ में जाने से डरते थे, पहाड़ में जंग वो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको उसकी टैक्टिक्स नहीं आते थे, उनको तरीका नहीं आता था। तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा कि लेकिन नेपाल के जो शासक हैं वो भी अपना राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेनाएं यहाँ पे भेजी। तो देहरादून के खलंगा मैदान में ये युद्ध हुआ 1815-1816 में, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि लगभग 30,000 ब्रिटिश सोल्जर थे और बहुत ही कम गोरखा सैनिक थे, और उनका जो वो था सेना नायक बलभद्र थापा, उन लोगों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि एक समय तो ऐसा आया कि युद्ध के पहले दिन 6 ब्रिटिश ऑफिसर इंक्लूडिंग जो उनका जनरल था वो मारे गए थे युद्ध में। तो आप
ये सोचिए कि कितना कैसा मोमेंट रहा होगा इतिहास में कि अगर गोरखा वो युद्ध जीत जाते तो आज शायद हम ये टॉक नेपाली में कर रहे होते और अगर गोरखा वो युद्ध ब्रिटिश से जीत जाते तो पता नहीं ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री क्या होती इंडिया में, शायद देश उतने लंबे समय तक गुलाम ना रहता। लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने कुछ 3-4 दिन तो ब्रिटिश को बहुत छकाया, लेकिन फिर ब्रिटिश के पास तो और मेरठ से सेनाएं आ गई, सहारनपुर से सेनाएं आ गई, तो फाइनली वो जीत गए और बलभद्र थापा वहां से चले गए। लेकिन गोरखों की बहादुरी उन्होंने ब्रिटिश ने फिर भी जो उसको कमेमोरेट किया, वहां पे उन्होंने 2 मेमोरियल बनाए। एक तो अपने जनरल और सोल्जर्स के लिए बनाया, दूसरा उन्होंने गोरखा सोल्जर्स के लिए बनाया। बिल्कुल, तो इतिहास में ये भी कहीं दर्ज नहीं है कि जीती हुई सेना ने किसी हारी हुई सेना के लिए मेमोरियल बनाया हो। बिल्कुल, तो ये कहते हैं ना कि हारना जीतना उतना मायने नहीं रखता जितना ये रखता है कि आप किस तरह से लड़े। जी, ये जी, बहुत आपने कितनी बहादुरी दिखाई जंग में। और तो ये उन्होंने किया और शायद ये इतिहास का एकमात्र उदाहरण है कि इस तरह का मॉन्यूमेंट देहरादून में बना हुआ है। और तो जब हम उस पहाड़ी पे जाते हैं जंगल के बीच से होते हुए तो हमें पूरी उस युद्ध की यादें ताजा हो जाती हैं और उसी से हम फिर ब्रिटिश रूल को कनेक्ट कर पाते हैं कि ये वैली कैसी रही होगी उस जमाने में और आज कितना बदलाव आ गया है। तो मेरे लिए वो बहुत फेवरेट वॉक है। जी हाँ, मुझे लगता है कि जैसे लोग मसूरी भी आए, नैनीताल भी आए या हरिद्वार भी आए तो मतलब वो देहरादून भी आए कि भाई ये जगह भी है जहाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मसूरी नैनीताल कि सब जानते हैं जी। कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जहाँ पे हम गए, ये लोग आते तो हैं देहरादून लेकिन वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं फ्लाइट से और सीधा मसूरी चले जाते हैं या सीधा हरिद्वार चले जाते हैं या स्टेशन पे आते हैं तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं। और जब हमने अपना काम शुरू किया था तब लोग यही कहते थे कि देहरादून में कुछ है नहीं इतिहास के मामले में या हेरिटेज के मामले में। लगभग टोटल कितने प्लेसेस होंगे जहां पे लोग जा सकते हैं? प्लेसेस तो बहुत हैं, जैसे देहरादून के आसपास कुछ 4-5 जो एडवेंचरस हो या मतलब प्लेफुल हो ऐसे। जैसे आप देखिए ट्रेडिशनली हो लाइक मंदिर हो या कुछ भी। जी, जैसे बिल्कुल देहरादून के हार्ट में गुरु राम राय दरबार है। ओके, तो गुरु राम राय दरबार का भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है जो मतलब ऐसा माना जाता है इतिहास में, हमें स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब जो थे वो बहुत क्रूर शासक थे, लेकिन एक सिख गुरु से उनकी दोस्ती हो गई, उन्होंने उस सिख गुरु को देहरादून में बसाया जिससे देहरादून का नाम ही पड़ा डेरा। तो ये डेरा जो है देहरादून के नाम का पहला शब्द वो डेरा गुरु राम राय से ही आता है। तो ये डेरा बहुत देखने लायक है, इसमें गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बहुत शानदार नमूने हैं। इसी तरह से अगर आप शहर से थोड़ा बाहर चले जाएं तो जैसे मैंने कहा कि ये जो खलंगा का मॉन्यूमेंट है या इधर राजपुर में सुरा देवी है या अपने आप अगर मसूरी भी आपको जाना है तो आप जो किपलिंग ट्रेल है उससे जा सकते हैं। जैसे शहनशाही आश्रम से अगर आप पैदल जाएं तो 3-3.5 घंटे में आप आराम से चलते हुए मसूरी पहुंच जाते हैं और आप पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। चलते चलते आपको देहरादून मसूरी की पूरी ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी और हर मोड़ पे एक नया दृश्य है, एक नया लैंडस्केप है, बहुत मजेदार देखने को। इसी तरह जैसे कालसी है देहरादून में, चक्राता की तरफ आप जाएं तो कालसी में अशोक का शिलालेख है। पूरे देश में अशोक, सम्राट अशोक के 13 शिलालेख हैं। तो ये 13वां शिलालेख है, वैसे 17-18 हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा और सबसे मतलब क्लियर लिखा हुआ शिलालेख है। तो इस शिलालेख से जो कनिंगम थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की नींव रखी थी, उन्होंने सम्राट अशोक को ढूंढा। उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कोई फिगर था इतिहास में।
मतलब लोग गेस करते थे, लेकिन इस शिलालेख पे जो एलिफेंट का फिगर बना है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उससे ये कंफर्म हुआ कि सम्राट अशोक जैसी कोई हस्ती भारतीय इतिहास में थी। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हिस्ट्री से हम आज सोचें कि सम्राट अशोक जी को हटा दिया जाए तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होगा, बहुत बड़ा गैप रह जाएगा, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। हाँ, तो सर इस वॉक से अगर आगे यूथ जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहाँ पर? जी, फेसबुक पे हमारा पेज है, हमारा ग्रुप है बीन देयर डून दैट के नाम से। वहाँ पे लोग मैसेज कर देते हैं, अपना फोन नंबर भी छोड़ देते हैं कई बार मैसेज में, तो हम उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अभी इंस्टाग्राम पे नहीं है, क्योंकि अभी हाल में मेरे साथ ऐसा हुआ, एक फ्रेंड ने कम्युनिकेट किया तो इंस्टाग्राम आईडी बताओ, तो नहीं मुझे तो फेसबुक का ही पता है। इंस्टाग्राम पे भी है btdt_official जो है वो हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम पे भी है, तो उसपे भी। वैसे हमारा ऑफिस भी है झारखंड में, कैफे है लाटा कैफे के नाम से, तो वहां पे भी आके कोई रजिस्टर करे तो हम उसको अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जोड़ लेते हैं और उनको सूचना मिलती रहती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। सर थोड़ा थोड़ा मैं जब ओवर थ्रू किया मैंने पेज और बाकी चीजें, तो मुझे लगा कि आप विलेज टूरिज्म पर भी काम करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना, क्योंकि हमें क्या बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो विलेज टूरिज्म बेसिकली क्या है? आप देखिए, विलेज टूरिज्म वैसे तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने वो आलू वाला एग्जांपल आपको दिया था, तो ये जो अर्बन लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, इनको विलेज से कनेक्ट करने का एक तरीका है। बहुत सारे लोग जो छुट्टी मनाने जाते हैं, जैसे आप मसूरी गए छुट्टी मनाने, तो अगर आप गुड़गांव से जाएं या मुंबई से जाएं, बड़े शहरों से जाएं जहाँ पे लाइफ बहुत फास्ट है, आप अपनी छुट्टी भी वैसे ही मना लेते हो कि आप जैसे गुड़गांव से आपने टैक्सी पकड़ी, जल्दी में आप मसूरी पहुंचे, वहाँ अपनी 6 डब्बे एक लिस्ट में बनाएं कि चलो कैंपटी फॉल टिक मार्क, मॉल रोड टिक मार्क, ऐसे आप टिक करते जाएंगे कि मैंने ये चीज देख ली, फिर आप वापस चले जाएंगे। तो उतनी ही तेजी से अगर आपने अपनी छुट्टी भी मनाई तो आपने रिलैक्स कब किया? ये तो मेरे टाइप वाली बात है। हाँ, मतलब अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप छुट्टी मनाने जा रहे हो तो थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को धीरे करिए, गाँव में जाइए, लोगों के साथ रहिए, जो खाना वो खाते हैं वो खाइए, अगर वो खेत में काम करते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा खेत में काम करिए और उस मिट्टी को फील करिए, वहाँ की जो आबो हवा है उसको फील करिए। और हम विलेजर्स को ही एनकरेज करते हैं कि आप ही लोगों को होस्ट करें, अब हम इस वॉक को लीड नहीं करेंगे, आप ही अपना गांव दिखाएं। बिल्कुल। और इससे क्या हो रहा है कि सीधा विलेजर्स को बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। नहीं तो क्या हो रहा है कि टूरिज्म के नाम पे जो गांव है या गांव वाले हैं, एक तरफ तो हम कहते रहते हैं कि गांव से पलायन हो रहा है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। जी, आज लगभग हमारे 3,000 गांव घोस्ट विलेज बन चुके हैं, मतलब लोगों ने उनको छोड़ ही दिया है। पूरा का पूरा गांव शहरों में आके बस गया है, नौकरी की तलाश में या इलाज की तलाश में या शिक्षा की तलाश में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने उस लैंडस्केप को बचाया इतनी सदियों से। आज लोग ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन बड़े कॉरपोरेट आके वहाँ होटल बना रहे हैं। तो जो टूरिज्म का बेनिफिट है वो किसको मिल रहा है? वो कॉरपोरेट को मिल रहा है या बड़ी कैपिटल वाले लोगों को मिल रहा है। हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है, वो होटल इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री जो अपना काम कर रही है करे, लेकिन हमारी चिंता सिर्फ यही है कि अगर टूरिज्म विलेज में पहुंचेगा और सही तरह का टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म नहीं कि जो कहे डीजे बजाओ या शाम को या शराब पिलाओ, ऐसा टूरिज्म जो कि एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो वैसे लोग अगर जाएंगे गांव में तो गांव के लोगों की आय भी थोड़ी बढ़ेगी, उससे पलायन थोड़ा कम होगा। जी, और तो यही एक कनेक्ट हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम वॉक्स करते हैं उसके बाद जो लोग थोड़ा सेंसिटाइज हो जाते हैं, जिनको पसंद आता है, उनको फिर हम 2-3 वॉक्स के बाद कहते हैं कि अब आप इस विलेज में जाके
हमारे साथ चलिए और एक्सपीरियंस करिए. तो वो एक्सपीरियंसेस भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और विलेज कम्युनिटीज भी जुड़ रही हैं इससे. मतलब लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं कि हमारे विलेज को भी आप लीजिए, हमारे पास भी आइए. तो वो दोनों तरफ से बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो रहा है सबके लिए. और सर, क्योंकि हम ये इंटरव्यू NIVH में कंडक्ट करा रहे हैं तो बेसिकली ये कहना बनता भी है, और हमने ये सोचा कि एक्सपीरियंसेस जो हम बात करते हैं, लाइक कि जो विजुअली एबल हैं चीज़ों को देखने के लिए, हम यही सोचते हैं कि बस इन्हीं के लिए. तो क्या ऐसी वॉक हम करें जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड होते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. हर चीज को छू के जानना या इमोशनली कनेक्ट होकर समझना, सेंस अपना ज्यादा यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू अस. तो उनके लिए मतलब अगर ये कराया जाए तो क्या डिफरेंट होगा, क्या मतलब कैसा? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपका प्रोपोजिशन है. मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड हैं वो भी नेचर को उतना ही अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनका जो टेक्सचर को फील करने का या साउंड्स वाइब्रेशंस को सुनने का वो फैकल्टीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है. दे आर सो एंथुजियास्टिक टू एज कम्पेयर टू अस. मतलब जो वो हमसे मिलते हैं ना, हमेशा खुश आपको नजर आते हैं. अच्छा. हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. कि ऐसा नहीं कह रहे, मतलब यूजुअली हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी से कितनी नाराजगी रहती है, बट मैंने उन्हें देखा वो कोई नाराजगी कोई कंप्लेन नहीं करते. दे एक्सेप्टेड और वो एंथुजियास्टिक रहते हैं. क्यूरियोसिटी भी उनमें बहुत ज्यादा होती है कि भाई ये चिड़िया है तो ये किसकी आवाज है, या ये पानी बह रहा है तो ये मतलब कैसी धारा है, मोटी है पतली है, तो वो जानना चाहते हैं चीजों को. तो इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ये चीजें जो हैं वो आगे ले जाएं. बिल्कुल, इसको ट्राई करना चाहेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है. और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए तो साइन लैंग्वेज से, मतलब कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो ही सकता है कि जो हमारा वॉक लीडर बोल रहा है वो साइन लैंग्वेज से उनको बताया जाए. और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी हम कुछ स्पेशली क्यूरेट कर सकते हैं कि ट्रेल पे हम कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करें. थोड़ा NIVH से भी हम टिप्स लेंगे, इसकी ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे. ओके सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच. आपने इतनी सारी मतलब अपना 22 साल से ज्यादा का जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया, तो हमारे लिए तो खैर ये बूम पार्टी हो गई. लेकिन एक मैसेज जो आप इतने एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है, एक मैसेज जो देना चाहें हमारे सुनने वाले को, हमारे व्यूअर्स को या जो भी हमारे ऑडियंस है उनको, तो क्या देंगे? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग जो हेरिटेज स्पेसेस में जाते हैं या विलेजेस में जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो पेड़ों पे या मॉन्यूमेंट के ऊपर अपना नाम खोद देते हैं या कुछ लिख देते हैं. तो ये वैंडलिज्म है. ये जैसे मैंने बताया कि जो हमारी हेरिटेज है वो हमारी आइडेंटिटी है, तो उसके साथ छेड़छाड़ है. तो ये बिल्कुल ना करें. और जैसा आपने जिस स्थान को पाया वैसा ही उसको जाने के समय वैसा ही रहना चाहिए. वहाँ कुछ प्लास्टिक ना फैलाएं, गंदगी ना करें. ये तो बहुत सही चीज़ आपने कही. और अगर कुछ आपको गंदगी दिखे तो प्लीज उठा के मिलाएं. जी बिल्कुल. क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है इन जगहों को साफ रखने की. अभी आपने सुना डॉक्टर लोकेश ओरी जी को, जिन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज पे काफी अच्छा काम किया है, और जो कि जिसे NIVH जो है वो बिना मेंशन किए नहीं रह पाया. तो आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा. सुनते रहिए 91.2 NIVH देहरादून, आपका अपना रेडियो स्टेशन.